साथियों जल्दी से लाइव आ जाएं एक बार। सभी साथी एक बार लाइव आ जाएं और लिंक शेयर करें और अधिकतम साथियों को लाइव ले लें। बहुत ही अति आवश्यक मैटर है सर, सभी साथी एक बार लाइव जरूर आ जाएं। सर जोहार 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 सभी साथियों को जोहार। सभी एक बार लाइव आ जाएं और अधिकतम लिंक शेयर करें। अधिकतम साथी लाइव आए, सभी अपने साथियों को जोड़ें। तराणु लाइव हो चुके हैं, छन्नू हो चुके हैं, 95 छन्नू। सो लाइव हो चुके हैं, 102 हो चुके हैं। अब और भी जो भी भाई हैं सभी लाइव जोड़ते रहें। साथियों आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस 2019 को प्रतापगढ़ जिले के संपूर्ण आदिवासी समुदाय द्वारा, प्रतापगढ़ जिले के नल चुराया जिसको पहले जानते थे, पूरे संपूर्ण आदिवासी समुदाय द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रतापगढ़ जिले में आज दिन तक आदिवासी महापुरुष के नाम पर किसी कोई भी चुराया घोषित नहीं हुआ, कोई भी मूर्ति नहीं लगी। सुखाड़िया स्टेडियम प्रतापगढ़ के अंदर यह निर्णय लिया गया था प्रशासन की उपस्थिति में और प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में कि जो नल चुराया है उसको राणा पुंजा भील चुराया घोषित किया जाएगा। और राणा पुंजा भील चुराया 45,000 आदिवासियों की उपस्थिति में, प्रतापगढ़ का जो नल चुराया था उसको नाम देकर के राणा पुंजा भील चुराया किया गया। उसके साथ ही ज्ञापन भी प्रेषित किया गया था। उसके बाद निरंतर 2019 के बाद में 2020, 2021 कोरोना काल होने के बावजूद भी आदिवासी समुदाय ने समय समय पर यहां पर नेजा चढ़ाए। साथियों एक बार बीच में पहले भी नेजा उतार दिए गए थे, लाइट ठीक करने का बहाना किया गया था। ठीक उसी तरह आज भी आदिवासी समुदाय द्वारा जो नेजे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस 2022 को लगाए गए थे संपूर्ण आदिवासी समुदाय के द्वारा, वो नेजे अभी लाइट ठीक करने के बहाने शासन प्रशासन द्वारा हटाए गए हैं। आयुक्त महोदय जो प्रतापगढ़ नगर परिषद के हैं, उनका कहना है कि कलेक्टर साहब ने बोला है, और कोई लिखित में कोई आदेश नहीं है, मौखिक में ही बोला है, ये बोल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, फिलहाल अंधेरा हो चुका है, आप ऐसा कोई निर्णय नहीं लें। केवल और केवल आपसे विशेष निवेदन है कि 7 बजे से पहले पहले नेजे लग जाए। सोशल मीडिया पर ऐसा जबरदस्त विरोध होना चाहिए मेरे भाइयों। अगर आप प्रतापगढ़ जिले के अंदर राणा पुंजा भील चौराया जो घोषित किया गया है उसके समर्थन में आप चाहते हैं कि ये नेजे वापस लगाए जाए, नेजे
उतारे गए वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना पूर्व सूचना के नेजे उतार दिए गए और उनको पैरों तले रौंदा जा रहा है। मेरे भाइयों, फोटो आपके वायरल कर दी जा रही है, वायरल कर दी गई है। आप समझिए, लाइट ठीक करने के बहाने जो नेजे उतारना और नेजे उतार करके उनको पैरों तले रौंदना, बहुत बड़ा अपमान है हमारे आदिवासी समुदाय का। प्रशासन की नजर में हो सकता है कोई बात नहीं, छोटे मोटे नेजे होंगे, नहीं। आप तमाम साथियों को बताने की जरूरत है सोशल मीडिया पर कि आदिवासी समुदाय के नेजे के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं। आंदोलन बिल्कुल देवीलाल जी डामोर आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल में हमारे पास में आंदोलन, जो भी आंदोलन की जगह है वो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए भी आंदोलन करें। बाकी अगले जो भी हम सब मिलकर के निर्णय लेंगे, उसके निर्णय की आगे की रूपरेखा बाद में बता दी जाएगी, लेकिन अभी इस वक्त आप सभी मिलकर के सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध दर्ज करें। इनको लाइट ठीक करने कोई बात नहीं करी है, लेकिन नेजों को पैरों तले क्यों रौंद रहे हैं, पैरों तले क्यों दबा रहे हैं? और तीन नेजे हमारे उतरने नहीं चाहिए, लाइट ठीक कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हरा नेजा है, जो सफेद नेजा है, जो लाल नेजा है, वो नहीं उतरना चाहिए। सभी फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्वीट करें, जो भी सोशल मीडिया पर जो भी माध्यम लगता है, सभी मिलजुल करके जीत जान लगा दें अभी, ताकि 7 बजे से पहले पहले नेजे लग जाए। अभी हमारे पास में कम से कम 10 से 20 मिनट है, अभी 6:39 हुए। जबरदस्त विरोध होना चाहिए मेरे साथियों। आप सभी को खूब खूब जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सोशल मीडिया पर जीत जान लगा दें अभी। राणा पूजा भील चौराया प्रतापगढ़ के साथ में छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हमारे तीन नेजे अनिवार्य रूप से अभी लगाएं, प्रशासन शासन प्रशासन अभी लगाएं। ठीक है साथियों, जोहार उलगुलान, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।